नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम हमेशा की तरह एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों इस समय स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, ऐसे में आपको केवल उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी डाउन जा चुके हैं और अब उनकी आगे बढ़ने की संभावना है। और इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कंपनी का मुख्य बिजनेस शुगर एंड एथेनॉल प्रोडक्शन करता है। कंपनी की शुरुआत 1950 में हुई थी। कंपनी साल 2000 में शुगर की कंपोस्ट से बायो फर्टिलाइजर्स बनाना शुरू किया था। कंपनी 10,000 एमटी ड्यूटी फ्री शुगर प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती है। साल 2003 में कंपनी ने व्हाइट शुगर प्रोडक्शन शुरू किया था। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज शुगर यूनिट, व्हाइट प्लांटेशन शुगर, रिफाइनिंग ऑफ रॉ शुगर, डिस्टिलरी यूनिट बनाती है, बायो कंपोस्ट यूनिट, मोती सुपर एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। कंपनी का मार्केट कैप 285.66 करोड़ रुपए का है। कंपनी का 64.56% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। कंपनी पिछले एक साल में 5.39% सेल्स ग्रोथ और 42.37% की प्रॉफिट ग्रोथ पा चुकी है। कंपनी के पास 201 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी 2021 में 26.24 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कर चुकी है। कंपनी का पीई रेशियो -7.1 है। बुक वैल्यू 26.76 और फेस वैल्यू 2 रुपए की है। कंपनी 0% का डिविडेंड देती है। कंपनी का बिजनेस शुगर और एथेनॉल सेक्टर पर है। कंपनी का नाम है केएम शुगर मिल्स लिमिटेड और इसका करंट स्टॉक प्राइस 31 रुपए के आसपास है। दोस्तों जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज मिलेगी, तो आप उसे जरूर देखें। और यदि आप पर्सनली कुछ गाइड चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद जानकारी अवश्य लें, हमारे या किसी और के केवल कहने पर इन्वेस्ट ना करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।